पिछली किस्त में आपने देखा पंचायत ये फैसला सुनाती है कि जून कुछ अरसे के लिए अपने मायके चली जाए। गमों से निढाल जून अपनी शायरी को अपनी आपबीती का जरिया बना लेती है। उसकी शायरी में एक नया रंग झलकने लगता है। एक दिन अबदी रात्र जून का मुकद्दर संवारने के लिए ख्वाजा मसूद की दरगाह का रुख करता है। रास्ते में जून और अबदी रात्र की मुलाकात कमाल से होती है। जून की हालत ज़ार देखकर कमाल परेशान हो जाता है और जून हसरत भरी नजरों से कमाल को देखती रहती है। फिर क्या हुआ आइए देखें। अल्लाह अल्लाह वालेकुम अस्सलाम। सब्र बेटी सब्र, दर्द की इंतहा हो गई है लेकिन घबराना मत, इसी दर्द की जमीन से खुशी का बूटा खिल उठता है। बस सब्र का दामन थामे रख मेरी बच्ची, सब्र का दामन थामे रख। बाबा तुम्हारी बेटी का ग्रहण खत्म हो गया है। ये जून है जून, एक महताब, चौदहवीं का चांद। बाबा तो क्या हम ये समझें कि हमारी बेटी जून ने जो ख्वाब देखा है वो हम सबके लिए एक अच्छा शगुन है? जूनी का ख्वाब बेटी। हाँ बाबा। हमने तुम्हारे मासूम हाथों में एक कलम थमा दिया था, तुमने उस कलम की इज्जत रख ली। आज हमारे दिल को फरत की हवाओं से मुअत्तर कर दो। आज अपनी जबान से वो शेर सुनाओ। बाबा सुनाओ बेटी, कुछ कहने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अपने दिल के जख्मों का दरीचा खोल दो, अपने दर्द को जबान दो मेरी बच्ची, जबान दो। सुभान अल्लाह, तुम वाकई दिल की जबान से बोलती हो मेरी बच्ची। आज से हम तुम्हें एक अनोखा नाम देंगे, एक ऐसा नाम जो जब तक कायनात रहेगी वो नाम गूंजता रहेगा। नाम आज से इस मासूम और पाक रूह का नाम होगा हब्बा खातून। हब्बा खातून, हब्बा खातून, हब्बा खातून, हब्बा खातून। ये
ये सब क्या हो रहा है सूरी के अब्बा? वही जो तकदीर साज ने हमारे मुकद्दर में लिखा है। लेकिन हम इस गांव में किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। देखो ताजे, तुम हिम्मत मत हारो, अल्लाह पे भरोसा रखो, वो तो बहुत बड़ा कारसाज है। कारसाज? उसने तो हमारे चेहरे पर कालिख पोती। हो सकता है इसी में हमका बला हो। हमारी जूनी तो जीते जी मर जाएगी। नहीं, हमारी जूनी जीते जी कभी नहीं मर सकती, वो तो जून है, चमकती चीज है, उससे तो हमेशा रोशनी कायम रहेगी। और हमारी बेटी तो पाक दामन है, मासूम है। लेकिन लेकिन सूरी के दामन में ये दाग? नहीं ताजे, देखो तुम हिम्मत मत हारो, तुम हिम्मत हारती हो तो मेरे हौसले जो हैं वो पस्त हो जाते हैं। तुम तो हमेशा मेरा सहारा बनी हो, हमेशा तुमने मुझे सहारा दिया है, आज भी मेरा सहारा बनो तुम। हाँ, आज भी मेरा सहारा बनो। बात है माँ, तेरे ससुराल वाले आए हैं, अजीज और उसका बाप वहाँ के मौलवी को लेकर आए हैं, इनके साथ तेरे बाबा का बहुत झगड़ा हुआ। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूँ? क्या कह रहे हैं वो? तलाक चाहते हैं, और क्या? तलाक तो हो जाए तलाक, वैसे भी इस शादी ने जूनी का जीना हराम कर दिया था। हमारी तरफ से सरजू, अलीकाक और नबीर सब ने इनके पाँव पकड़े, मगर वो सिद पर है। कहाँ है वो लोग? ऊपर मत जाओ, सब लोग वही कमरे में बैठे हैं, अभी बुलावा भेजेंगे, एक बार ढूंढा भी था उन्होंने। घबराओ मत, तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा। क्या तुम भी? क्या ठीक रहेगा? जूनी क्या उम्र भर मायके में बैठी रहेगी? उफ़ मौसी, तुम भी फजूल की फिक्र करती हो। मेरा यकीन है कि जूनी किस्मत वाली है। आ गई तो किस्मत की खोटी, देख ये लोग तुम्हें जीते जी मार देना चाहते हैं, लेकिन तू घबराना मत। हाँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हूँ ना तेरा बाप। हाँ देख, वो गांव से मौलवी साहब आए हैं, हा? वो छोटे कमरे में बैठे हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो जो भी पूछे तुम साफ साफ कह देना। अब आजा। मौसी, जूनी कल की बच्ची नहीं है, वो
उसके भी मुंह में जुबान है, कह देगी सबको साफ साफ मौलवी साहब से। अरे बेटी वो कुछ भी कहे मगर अपनी तकदीर नहीं बदल सकती। उसकी तकदीर जरूर बदलेगी मौसी, जरूर बदलेगी। मेरा तो दिन बैठा जा रहा है, ना जाने ऊपर क्या फैसला हो रहा होगा। जब से हमारी चांदसी सहेली की शादी हुई बेचारी ना खुलकर हंस सकी है और न जी पर रो सकी। मैं क्या करूं मेरे अल्लाह, काश मैंने औलाद की तमन्ना की नहीं होती। सुनी सुनी मेरी जान, क्या हुआ? बोलो ना सुनी, क्या हुआ? क्या बोलेगी बेचारी, ये तो कुर्बान हो गई। इसकी किस्मत में शायद यही लिखा था। क्या क्या कह रहे हैं आप? हम हसीना के लिए जिसे हमने दाजू से पाला था, आज उसे एक बेकार चीज समझकर ससुराल वालों ने घर से बाहर धकेल दिया। सुनी 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 मेरी बच्ची। चुनौती हो राजी, अच्छा हुआ जो ये बंधन टूट गए, जो मेरे पैरों में जंजीर बने हुए थे। मेरी जान सूटी मेरी बच्ची, ये सब क्या हो गया? क्या करेंगी बेचारी, कैसे काटेंगी ये जिंदगी? कुछ नहीं होगा मेरी सहेली को, ये सर उठा कर जिएगी। कौन जीने देगा इसे इस समाज में? कौन से समाज की बात करती हो मौसी, समाज ने इसे दिया है क्या शराफत के बदले में ये तलाक? काश काश कि ये लोग समझ जाते कि तूने कैसे हीरे को ठुकरा दिया है। अब्दुर्रहमान साहब, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। फतेह मोहम्मद, मेरे इस घर को आग लगाकर इस पे तेल मत छिड़को। मैंने तो बड़े अरमानों के साथ अपनी बेटी जून की डोली को रवाना किया था यहां से। अरमान तो मेरे भी थे, लेकिन खुदा गवाह मैंने अपने कमबख्त बेटे से आपकी मासूम बेटी को बचाने का फैसला बड़ी सोच समझ के लिया है। अफ़ो कर खुदा, बाबा रहने दो इन्हें अपनी दुनिया में, आज से इनका और हमारा रिश्ता खत्म। अजीजा अजीजा खामोश। क्या खामोश रहूं बाबा, अब अजीजा इनको दिखाएगा, दिखाएगा अजीजा इनको कि अपने लिए नई दुल्हन लेकर आएगा। फतेह मोहम्मद अपने बेटे को लेकर जाओ यहाँ से, वरना ले जाओ उसे यहाँ से, नहीं तो आज ही अपनी टांगों से चलकर नहीं जा पाएगा। क्या बोला? नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे कोई हंगामा नहीं चाहिए, कोई हंगामा नहीं चाहिए। आदमी तो अपनी आदत से मजबूर है। मुझे माफ करना अब्दुर्रहमान साहब, मुझे माफ करना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। अरे क्या कह रहे हो बाबा, शर्मिंदा हम नहीं हैं, शर्मिंदा तो मैं इनको करके जा रहा हूँ बाबा। चलो बाबा। मौजी
माँ जी, माँ जी। बेटी, तुम्हारी माँ अपनी छाती पर सारे जख्म लेकर जा रहे हैं। नहीं माँ जी, नहीं, ऐसा मत कहो। नहीं ताजी, देखो तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं तो हकीम साहब के पास गया था, उसने कहा कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगी वो। हकीम साहब मेरी बीमारी तो ठीक कर देंगे, लेकिन लेकिन जो जख्म दिल पर लगे हैं उनका दर्द नहीं सहा जाता। बस तुम हिम्मत से काम, बस हिम्मत से तो अब तुम्हें काम लेना है। इस भरी दुनिया में अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं। ताजा देख, तुम हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती माँ जी। अब्बा, बोलो बोलो। जब सोनी का खत्म हो जाए तो इसे लहर बना देना। हमारी जून तो बहुत जल्द दुल्हन बनेगी, तुम ठीक हो जाओ बस। तभी मेरी करार रूह को करार मिलेगा। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा सहारा चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साया चाहिए माँ जी। अगले मेरा साया तो हमेशा तेरे साथ रहेगा। मुझे कुछ हो रहा है सुनी, नहीं ताजे, 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 क्या करेगा बब्दी चाचा। हाय, बेचारे की किस्मत में क्या लिखा था, अब ताजी भी मर गई है, अकेला रहता है घर पर। सच ही कहती थी जूनी की सास कि जूनी मनहूस, अब तो माँ को बिठा बैठी। अब चुप रह, जून फिर भी जून है, यहाँ कौन जानता है उसकी कदर। सुना है वो बहुत कुछ जानती है। हाँ। अब फकीर बन गई है वो, बहुत पहुंची हुई लड़की है, इतनी पाकीजा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अरे तुम क्या जानो, जब से पैदा हो गई है अब भी रात्रि का घर बर्बाद हो गया है, अब तो उसकी माँ भी कब्र में चली गई। ये सब जून की वजह से तो है। चुप रहो, मैं ये सब नहीं सुन सकती। बेचारी अब तो सहेलियों के साथ घूमती भी नहीं, अकेली फिरती रहती है, कभी बागों में और कभी खेतों में। जमाना बहुत खराब है, ना जाने क्या होगा। फिर क्या हुआ? होना क्या था हुजूर,
बेबसी की इंतहा तो खुदकशी होती है। क्या हब्बा खातून ने? नहीं नहीं, खुदा न करे। हजूर, कालू वाली औरत तो वही थी जिसने खुदकशी करने की कोशिश की। क्या ये वही औरत है जिसे उस्ताद करीमदान ने बचाया था? हाँ हजूर, ये वही बदनसीब औरत है जो खुद के लिए मौत की तलाश कर रही थी और इसका बाप दर दर की ठोकरें खाता फिरता उसे तलाश कर रहा है। तुम हब्बा खातून के बारे में इतना कैसे जानते हो मेरे मौसी? हजूर, मैं अब्दी रातिर का हमसाया हूँ जिसकी बाहों में वो नन्ही जूनी पलकर जवां हूँ। हम खुद ही आज हब्बा खातून को तलाश करने के लिए निकले। क्या करते हो? देखा तकदीर की नाइंसाफी, एक पढ़ी लिखी औरत कैसे एक जाहिल गवार के हाथों बर्बाद हो गई। क्या तकदीर यार, अजीजा तो बेवकूफ है। हाय, क्या खूबसूरत चीज हाथ लगी थी। नूरा, यूं किसी बेबस पे बुरी नजर नहीं डाला करते यार। लो, किसी हसीन चीज की तारीफ क्या कर दी तो गलत नजर हो गई। देख, हाय, अभी भी किसी परी से कम नहीं लग रही। तुम्हारी आंखों पे तो बेशर्मी का चश्मा चढ़ा है यार, तुम्हें उसकी खस्ता हालत भी दिखाई नहीं देती। सब कुछ देख रहा हूँ, उसकी खस्ता हालत भी, वो चांद सी सूरत भी, और अपना ये समाज भी। हाँ, ये समाज तो उसे अब आंखों ही आंखों में खा जाएगा। क्या यार, नहीं, मैं वाक फोड़ दूंगा ये जूनी की तरफ उठेगी, वाक फोड़ दूंगा मैं। लो, आ गया मजनून की औलाद भी। ये तो दीवाना है यार, मैं कुछ कहूँ यार, दीवाना है यार। लो, मैं उसे छेड़ कर दिखाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ डालूंगा, 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 मैं तुम्हारे हाथ तोड़ डालूंगा।